हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अलग अलग लाइंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। और एक बात मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए कम और बड़ों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग लाइंस के बारे में स्कूल में कॉलेज में पढ़ते तो है, लेकिन बड़े होने के बाद क्या होता है कंफ्यूज हो जाते, भूल जाते कभी कभी। कुछ लोग ऐसे तो पहचान लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में कोई बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल कौन सा था और वर्टिकल कौन सा था। तो ऐसे करके वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन में स्कूल में जब हम करते हैं तब तो याद रहता है, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों ये इंग्लिश जो टर्म्स होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें फंस जाते हैं। तो ये चीज़ आज क्लियर हो जाएगी। मैं बहुत ही एकदम कैजुअल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन से होते हैं, वर्टिकल लाइंस कौन से होते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और जो भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दिया है। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होता है। एकदम इजी है। ये स्केल है और स्केल को मैंने ऐसे रखा है, हाँ इस तरह से। और हमें एक सीधी रेखा चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस ये एकदम सीधी रेखाएं होते हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और जो सीधी रेखा नहीं होता है वो कर्व लाइंस उसमें आ जाते हैं। और जो कर्व लाइंस होते हैं उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, स्पाइरल होते हैं, जिगजैग होते हैं, वेवी, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात चल रही है। तो ये एक सीधी रेखा जो इस तरह से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे। आसान भाषा में याद रखना है अगर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक सीधी रेखा जो सीधा एकदम ज़मीन पर लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है जमीन पर एक सीधी रेखा। तो ये हो गया हॉराइजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉराइजॉन्टल इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाएगा। हाँ, और यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं है, बिगिनिंग पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, जिसके एक पॉइंट्स होते हैं, जिसके कोई होता ही नहीं है, एकदम लिमिटलेस होता है, तो उस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आई थिंक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हो गया, इसमें जाने लायक कुछ है नहीं। इस तरह से जो होता है सीधी एक रेखा, वही होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कैसा होता है? ये भी एक सीधी रेखा होता है, लेकिन ये ऐसे खड़ा होता है, ठीक है, सीधी रेखा जो इस तरह से खड़ा रहता है। हाँ, टॉप टू बॉटम आप बोल सकते हो, टॉप टू बॉटम। जैसे मैंने पहला जो एग्जांपल दिया था हॉरिजॉन्टल के लिए कि वो कैसा होता है, ऐसा एक सीधी रेखा जमीन पे लेटा हुआ लेफ्ट टू राइट जाएगा, और वर्टिकल में आएगा कि ये जमीन पर खड़ा है टॉप टू बॉटम ऐसे। हाँ, तो ऐसे खड़ा एक रेखा, और ये होगा वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल एक खड़ा रेखा है, हॉरिजॉन्टल एक लेटा हुआ रेखा है, दोनों सीधी रेखा है, ध्यान में रखिए ये बात, सीधा होना चाहिए दोनों, ठीक है। अब आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ध्यान में रखिए, याद रखिए, ठीक है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल इस तरह के होते हैं, वर्टिकल इस तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ और लाइंस ड्रॉ करती हूँ और बताती हूँ कि ये किस तरह के लाइंस होते हैं। एक मैंने ऐसा ले लिया, एक मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। तो ये भी सीधी रेखाएं हैं, स्ट्रेट लाइंस, बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, राइट। तो इनके क्या नाम है, क्योंकि ये तो एकदम सीधा, एकदम ऐसे खड़ा भी नहीं है, ऐसे सीधा लेटा भी नहीं है, ये थोड़ा ऐसे एक तरफ झुका हुआ सा है, थोड़ा बैंड डायगोनल इस तरीके से है। तो इन रेखाओं के क्या नाम है? तो इनको इंग्लिश में बोला जाता है ये, सॉरी, स्लैंटिंग लाइंस, ठीक है, स्लैंट लाइंस या स्लैंटिंग लाइंस लोग बोलते हैं, SLANT, स्लैंट लाइंस और सेंट्रल लाइंस यू कैन से। और एक और नाम है ऑब्लिक लाइंस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, और एक भी नाम है ऑब्लिक लाइंस, मैं यहाँ पर एक ही नाम लिख देती हूँ, स्लैंट लाइंस। तो इस तरह के जो रेखाएं होते हैं एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ लेकिन सीधा, तो इनके नाम होते हैं ये स्लैंट लाइंस, आप बोल सकते हैं स्लैंटिंग बोल सकते हैं, ऑब्लिक लाइंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने तीन तरह के लाइंस सीखे हैं, हॉरिजॉन्टल जो कि ऐसे सीधा एक रेखा होता है, वर्टिकल जो ऐसा एक सीधा खड़ा रेखा होता है, और ये स्लैंट लाइंस जो इस तरह के थोड़े से एक तरफ झुके हुए डायगोनल टाइप, हाँ, तो इस तरह के होते हैं, और ये सारे सीधी रेखाएं हैं, ये मेन बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ और भी रेखाएं ड्रॉ करती हूँ, आप देखिए, एक हमने ऐसा बना लिया, एक हमने ऐसा बना लिया,
ठीक है, एक हमने कुछ ऐसा बना लिया और एक ऐसा जलेबी जैसा, ठीक है। तो इन रेखाओं के भी नाम है, ये सीधी रेखा नहीं है, हाँ सारे कर्व्ड है, लेकिन किसके क्या नाम है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इन्वर्टेड टाइप एक दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड यू टाइप, तो ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है कर्व्ड लाइन, ठीक है, CURVED, कर्व्ड लाइन। ये वाला जो है इसको कहा जाता है जिगजैग लाइन। और ये जो इस तरह के तरंगे टाइप है इसका भी नाम है, हम इसको बोलते हैं वेवी लाइंस। और ये जो जलेबी जैसा गोल गोल है इसका नाम क्या है? स्पाइरल, स्पाइरल, ठीक है, क्लियर। कर्व्ड, कर्व्ड कभी कभी इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ टेढ़ा मेरा सा, तो ये भी कर्व्ड में ही आता है, ये भी है कर्व्ड में, ये भी है, और ये जिगजैग, ये वेवी एंड ये स्पाइरल, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और भूलिएगा मत, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो कि सीधा और इस तरीके से होता है, वर्टिकल सीधा लेकिन इस तरह से खड़ा होता है, स्लैंट जो इस तरीके से होते हैं एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ सा, और ये कर्व्ड है थोड़ा सा ऐसे इन्वर्टेड यू शेप में आ जाता है, या फिर कभी ऐसे एस जैसा भी दिख जाता है कर्व्ड, और ऐसे जो पहाड़ जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जिगजैग है, ये वेवी है तरंगे जैसे, और ये स्पाइरल है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया अभी। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जानकर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बातें जो अभी मैं यहाँ पर लिखकर बताने वाली हूँ ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, हम जब लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लाइंस, यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, टाइप्स ऑफ लाइंस, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पहले लाइंस ले लेते हैं हम, जब लाइंस मीन्स रेखा इन हिंदी, तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक रेखा, हाँ, लेकिन जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया मैंने, ये वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये एक रेखा भी तो है ना, तो लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे ख़त्म होगा इसका कुछ है नहीं, मैंने बस बना तो दिया है लेकिन ये कितने दूर जाएगा, हाँ इसकी लंबाई कितनी है हमें नहीं पता, ठीक है। तो एक लाइन हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कुछ बातें, कि हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं तो इसमें कोई एक, तो इट डजन हैव एनी एंड पॉइंट्स, ठीक है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। सेकंड बात कि लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ये जो लाइन है ये दोनों तरफ बढ़ सकता है इनडेफिनेटली, कोई सीमा ही नहीं है, जितना मर्जी उतना बढ़ सकता है, ठीक है। लाइन एक्सटेंड, लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। पहली बात ये लाइंस के मामले में, और मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर ये तो एरो बना लिया है, मतलब यहाँ पर कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, नो एंड पॉइंट्स, और ये जितना मर्जी उतना दोनों तरफ हम इसको खींच सकते हैं, बोथ डायरेक्शंस में ये बढ़ सकता है इनडेफिनेटली, ये एक इसकी बात खासियत है। और तीसरी एक बात है कि इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, कोई मतलब पहले से तय कोई इसका ये नहीं है, लंबाई नहीं है, ठीक है, कि ये इतना लंबा है उतना लंबा है हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जितना मर्जी उतना आगे जा सकता है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये कितना आगे जाएगा हम नहीं जानते, तो ये आप एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं, नो डेफिनेट लेंथ, ठीक है। यहाँ पर एक बात और हम ऐड कर सकते हैं, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, ये लाइन नो डेफिनेट लेंथ, इसका कोई इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। तो जब हम लाइन बोलते हैं ओनली तो हमारे दिमाग में ये तीन चीज़ आएगा, ठीक है, ये लाइंस के मामले में। एक और चीज़ आता है लाइन सेगमेंट, आपने ये नाम भी सुना होगा लाइन सेगमेंट, तो ये क्या चीज़ है आइए देखते हैं। नंबर टू, लाइन सेगमेंट, तो इसके लिए भी हम एक सीधी रेखा ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक सीधी रेखा ले ली और यहाँ पे हमने दो डॉट लगा दिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे दो डॉट लगा दिए, हाँ।
तो लाइन सेगमेंट की कुछ खास बातें क्या है, इसका एक डेफिनेट लेंथ है, दे हैव ए डेफिनेट लेंथ, इसका एक पर्टिकुलर लंबाई है, एक लेंथ है, ये हम इसको लाइन सेगमेंट की बात जब होती है तब हम नहीं बोल सकते कि ये जितना मर्जी उतना आगे जा सकता है, नहीं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट है पहले से तय, ठीक है। आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए, दे हैव ए डेफिनेट लेंथ, ठीक है, ये एक ज़रूरी बात है। और इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ एक होता है स्टार्टिंग और यहाँ एक होता है ये जहाँ पे ये ख़त्म होता है। सो इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो, ठीक है, ये इसके लिए जानने लायक दो बातें हैं। लाइन सेगमेंट की बात जब होती है तो आपको ये दो बातें याद रखनी होगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। लाइन सेगमेंट कैसा होता है, एक लाइन जो दे हैव ए डेफिनेट लेंथ, इनके एक डेफिनेट लेंथ होते हैं और इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, याद रखिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रे, नंबर थ्री, रे, रे, रे किस तरह के होते हैं, ये हम पहले एक सीधी रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ इतने ले लेते हैं, फिर यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, और रेस के मामले में ये इसका एंड पॉइंट नहीं आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो है, हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कहाँ पे ख़त्म होगा वो हमें नहीं पता, तो हम इसको ऐसे करके रख देंगे, मतलब ये आगे कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये हमें पता है, हाँ, तो ये चीज़ रे इसके अंदर आता है, हाँ, तो इसके लिए रे के लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कि इट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड 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 इट गोज इनडेफिनेटली इनडेफिनेटली इन वन डिरेक्शन, इन वन डिरेक्शन, तो ये एक दिशा में इनडेफिनेटली आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे पता नहीं कहाँ तक, लेकिन इनडेफिनेटली बढ़ता ही रहता है, ठीक है, कहाँ पे ख़त्म होगा हमें नहीं पता, इट गोज इनडेफिनेटली इन वन डिरेक्शन, एक डिरेक्शन में जाता ही रहता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब क्या है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि सूरज, सूरज की रोशनी, ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं सनलाइट, एज फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, क्योंकि ये देख लीजिए कि ये सूरज है, तो सूरज से ही रोशनी आती है, लेकिन ये रोशनी तो चारों तरफ फैल जाती है दुनिया में, तो कहाँ कितनी दूर तक गया है ये तो हम नहीं नाप सकते ना, तो वो हम नहीं मेजर कर सकते, तो हम ये तो पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन कहाँ पे ख़त्म हुआ ले हम वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रेस के लिए, ठीक है। और एक टॉर्च लाइट, ये फ्लैश लाइट होता है ना, तो वो एक जगह पे मान लीजिए हमारे हाथ में है मोबाइल, वहाँ पे हम लोगों ने फ्लैश लाइट चला दिया, लेकिन उसकी रोशनी कितनी दूर तक जा रही है ये मेजर करना, ये नापना काफ़ी मुश्किल है, राइट, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। तो लाइन्स, लाइन सेगमेंट एंड रे, ये तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, हाँ, ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है, तो हम सबको जानकर रखना अच्छा होता है लाइफ में, स्टूडेंट नहीं हो, कोई दूसरा काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है, ठीक है, तो इसलिए नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। तो अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइन से रिलेटेड सीख लेते हैं, ओके, चलिए, क्या मैं लिख रही हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन्स, इसमें हम लोग दो दो रेखाएँ लेंगे, ठीक है, दो रेखा एक साथ आने के बाद मतलब किस तरह का वो बनाते हैं वो हम जानेंगे, पहले हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, हाँ, एक रेखा दूसरे रेखा को कैसे काटता है, ये हम लोगों ने एक सीधी रेखा ले ली और यहाँ भी हम लोगों ने एक सीधी रेखा ले ली, तो आप देख सकते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ये ए बी रेखा, ए सी डी रेखा ने एक दूसरे को जब काटा काटी किया, तो यह ना इस तरह यहाँ एक पॉइंट ई ले लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों रेखा ने एक दूसरे को काटा है, तो इस तरह के जो रेखाएं होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं इनका भी एक नाम होता है, तो ये नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे जो बीच में काटते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ई जहाँ पे काटे हैं, तो
हम जब कोई चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे और अच्छे से हम लोग सीखेंगे इस बारे में। यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से जो ज़रूरी बातें हैं जानना वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक है, हम जब किसी चैप्टर को लेकर पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, किस तरह के होते हैं, इस तरह से जो एक दूसरे को काटते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लाइन्स हैं जो ऐसे डायरेक्ट नहीं काटते, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके काटते ज़रूर है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। हम लोगों ने ये एक लाइन ले लिया, ठीक है। इसके बीच में से किसी लाइन को नहीं लाते हैं, थोड़ा अलग से लाते हैं एक लाइन को, यहाँ पे एक लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए ये लाइन दोनों जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे ज़रूर, हाँ, क्योंकि ये एक समान पैरेलल नहीं है, हाँ। तो दोनों अपने अपने डायरेक्शन में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके ये जो लाइन है इसको काटेगा ज़रूर। तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं लेती हूँ एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको राइट एंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री बनाते हैं ना। ये एक लाइन ले लिया ए बी, यहाँ पर नाम ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं ना, कैजुअल एकदम। और ये एक लाइन ले लेता है सी डी। तो देखिए ये जो एक लाइन ए बी लाइन सी डी लाइन को काट रहा है, लेकिन इसी वक्त ये जो है चारों तरफ 90 डिग्री भी बना रहा है, राइट एंगल, ठीक है। इस तरह से हम जब इसको नापेंगे तो पूरा 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोलते हैं। तो इधर भी सेम केस है, ठीक है। तो जो दो रेखाएं जो ऐसे राइट एंगल बनाते हैं उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। और इसका एक और नाम भी है, राइट एंगल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जान लिया, ये बिल्कुल ईजी है। इसका एक मैथमेटिकल साइन भी है, ऐसे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इस तरह से एक साइन से भी दर्शाया जाता है, उल्टा टी हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया, ऐसा होता है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये जो है ये इंटरसेक्टिंग है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक बच्चा है पैरेलल, तो हम वो भी देख लेते हैं साथ साथ। पैरेलल लाइंस किस तरह के होते हैं, इसके लिए भी हमें दो रेखाएं चाहिए, दो सीधी रेखाएं, ये एक शर्त है, सीधी रेखा, ठीक है। ओनली कर्व्स में ही रेखाएं आधा तेरा होता है, लेकिन बाकी जितने भी एग्जांपल्स है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्टिंग, स्लैंट, परपेंडिकुलर, सब में सीधी रेखाएं आएंगे, ठीक है। और लाइन सेगमेंट में हम लोगों ने क्या सीखा, उसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। रेस के मामले में एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट मतलब कहाँ पे जाके ख़त्म होता है वो होता है नहीं, कुछ इंडेफिनेटली आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। हम अभी पैरेलल लाइन सीख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने दो लाइन ले लिए, ये ए बी ले लिए, ये हम लोगों ने सी डी ले लिए। तो इन दोनों को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, क्यों, दोनों सेम डिस्टेंस में है। और पैरेलल लाइन की एक क्या खासियत है कि ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। दोनों एक समान बढ़ते जाते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, तो ये इसकी एक खासियत है, ठीक है। सेम डिस्टेंस होता है इसका भी, लेकिन वही बात, ठीक है। ये मैं नीचे लिख देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका इस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, इन लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। इसका एक ज़रूरी बात क्या है खास ध्यान रखने की, कि सेम डिस्टेंस में रहते हैं ये लाइंस, सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ये दोनों लाइंस। और एक और ज़रूरी बात कि ये दोनों लाइंस क्या होता है, नेवर टचेस इच अदर, ठीक है, नेवर टच इच अदर। तो ये है। और पैरेलल लाइंस के एक सिंबल भी होते हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह के होते हैं। हम लोगों ने ए बी सी डी नाम का दो ले लिया ना, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हम ऐसे लिख सकते हैं। और पैरेलल लाइंस ये दो शर्तों को फॉलो करता है, तभी जाके पैरेलल लाइंस कहलाता है, ठीक है। आई होप कि मैंने जिस तरीके से आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है लाइन्स के बारे में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख के आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं दूसरे किसी वीडियो के माध्यम से आपकी सवालों का जवाब दूंगी। एंड बहुत जल्दी कुछ और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, ये सारे जितने भी टेक्स्ट बुक हैं 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्लासेस के, उसके हर एक बुक मैथमेटिक्स बुक को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी आने वाले टाइम पे। तो हाँ, जुड़े रहिए, मेरा जो ये प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स क्लास करके, उसमें आपको सारे बेसिक मैथ्स
मिल जाएंगे फार्मूलाज के साथ। अभी अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे करके समय के साथ साथ आता रहेगा। तब तक आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ अपने वीडियोस के जरिए। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए आए हैं, और वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो वीडियोस के नीचे लाइक बटन दबा कर चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है फिर, इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने लाइंस के बारे में सीखा, हॉराइजॉन्टल लाइंस कैसे होते हैं, वर्टिकल लाइंस कैसे होते हैं, स्लैंट लाइंस क्या है, कर्व्ड लाइंस क्या है, ये रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस जो कि पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, ये तीन चीज़ें आती हैं। इसके अलावा भी कुछ दो चार इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बातें सीखे हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।